दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लव गुरु MK में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति को अपने वश में करना चाहती हैं। एक इलायची से करें पति का वशीकरण। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लव गुरु MK को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंचती रहे। अगर आप भी अपने पति को अपने वश में करना चाहती हैं तो पति का वशीकरण करने से पहले आपको लोगों को सबसे पहले मंत्रा से सिद्ध करना होगा। बिना सिद्ध किए हुए लोगों से अगर आप ये उपाय टोटका करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। लोगों को सिद्ध करने के लिए एक लौंग, एक रुई की बत्ती, एक कटोरी घी और माचिस और एक गिलास पानी और बड़ी डिब्बी सिंदूर लाएं। तंत्र मंत्र के लिए भोर का समय बिल्कुल सही माना जाता है। सुबह 3-4 बजे उठकर नहा धोकर करीब 4:30 बजे पूजा के स्थान पर मन लगाकर बैठ जाएं। इसके बाद एक लौंग को सिंदूर की डिब्बी में रखें, दूसरी तरफ रुई को घी में डुबोकर बत्ती जलाएं और लौंग को डिब्बी से निकालकर पानी के गिलास में अच्छी तरह से डाल दें। इसके बाद दिए गए मंत्रा का आपको 1100 बार जाप करना है। ऐसा करने से आपका पति आपके वश में हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या टोटका करने में कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो तुरंत हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारी आज की वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हमारे